इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। टाइटैनिक एकमात्र महासागर जहाज था जो बर्फ के टुकड़े से टकरा के डूब गया। बर्फ पर्वत से टकराने के बाद टाइटैनिक 2 घंटे और 40 मिनट में डूब गया। टाइटैनिक को बचाया जा सकता था अगर यह हिमशैली को ढूंढने के बाद दिशा बदलने के क्रम में 30 सेकंड की देरी के लिए नहीं जा सकती थी। टाइटैनिक से लॉन्च किए गए अधिकांश लाइफ बोट अपनी पूर्ण क्षमता से भरे हुए नहीं थे। टाइटैनिक के मुख्य बेकर ने शराब के साथ खुद को गर्म किया और इस तरह से बचाए जाने तक 2 घंटे तक वह अटलांटिक से ठंडे पानी से बच निकला। मूवी टाइटैनिक के लिए बजट टाइटैनिक जहाज से भी अधिक था। टाइटैनिक के संगीतकारों ने जहाज डूबने के आखिरी घंटे तक म्यूजिक बजाया था। टाइटैनिक के पीड़ितों में से केवल 333 शवों को बरामद किया गया जबकि लगभग 1500 की मौत हुई थी। टाइटैनिक की चौथी चिमनी फनल नकली थी। जहाज को और अधिक शक्तिशाली और सिमेट्रिक दिखने के लिए यह जोड़ा गया था। टाइटैनिक दुर्घटना से बचने वाले जापानी को जापान में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह लोगों ने उसे भगोड़ा करार दिया जो जहाज में 1500 लोगों से होते हुए भी अपनी जान बचा के भाग आया। टाइटैनिक में सबसे महंगा प्रथम श्रेणी स्वीट 870 पाउंड के मूल्य का आता था जो आज के समय में 75,156 पाउंड के आसपास है। टाइटैनिक पर लगभग 1 दर्जन नवविवाहित जोड़े अपना हनीमून मना रहे थे। टाइटैनिक पर 53% लोग लाइफ बोट का उपयोग कर बच सकते थे लेकिन केवल 31 ही बच पाए। 30 में से एक भी इंजीनियर नहीं था जो टाइटैनिक से बाहर गया। वे रुक गए और जहाज को चलते रखा ताकि अन्य लोग बच सके।